शादी और फिर उसके बाद सुहागरात को लेकर यूं तो हर लड़का लड़की एक ख्वाब सजाते हैं और उसके बारे में दोस्तों में मजाक के किस्से भी कहे सुने जाते हैं। लेकिन भारत जैसे सांस्कृतिक वाले देश में जहां सैकड़ों भाषाएं, परंपराएं और इन्हें अनेक धर्म जातियां हैं, यहां के तौर तरीके कहीं कहीं बेहद अलग और दिलचस्प भी हैं। सुहागरात को लेकर यहाँ एक गांव ऐसा है जहाँ की परंपरा बिल्कुल अनूठी या यूं कहा जाए कि बेहद अजीब है। कंजरभाट समुदाय में शादी के बाद होने वाली रस्म सुहागरात बहुत ही अनूठी है। यहाँ परंपरा की है कि शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं तो गांव के सैकड़ों लोग कमरे के बाहर बैठ जाते हैं। इस भीड़ में आम लोगों के साथ साथ गाँव का सरपंच खुद मौजूद होता है और रात भर तब तक दूल्हा दुल्हन के कमरे के बाहर बैठे रहते हैं जब तक सुबह में दूल्हा दुल्हन कमरे से बाहर ना आ जाए। इस अनूठी परंपरा के बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि ये लोग कमरे के बाहर इसलिए बैठते हैं ताकि दुल्हन के चरित्र को समझा जा सके। दरअसल जब दूल्हा दुल्हन कमरे में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद चादर दी जाती है जिस पर दूल्हा दुल्हन सोते हैं। सुबह में जब दूल्हा दुल्हन कमरे से बाहर निकलते हैं तो सरपंच सहित कई लोग कमरे के अंदर जाते हैं और उस सफ़ेद चादर को देखते हैं जो रात में जोड़े को दी गई थी। अगर सफ़ेद चादर पर दाग लगे होते हैं तो दुल्हन को पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर चादर पर कोई दाग नहीं हो तो दुल्हन को अपवित्र माना जाता है। आपको सुनने में ये परंपरा आज भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन बताया जाता है कि इस गांव में बरसों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है जो अब तक जारी है। आज जब पूरी दुनिया चांद तक पहुंच गई है, वहां एक नई दुनिया बसाने के रास्ते तलाश रही है, ऐसे में भारत जैसे देश में आज भी इस तरह की परंपराएं निभाना जारी है और सीधे सीधे महिलाओं के विरोध भी कही जा सकती है। ज़रूरत है कि इस तरह के गांव और समुदायों में जाकर उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें शिक्षा की तरफ लाया जाए, तभी उनमें सही गलत की समझ पैदा होगी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.